वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे चमत्कारी टोटके, असरदार उपाय, कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की हर तरह की परेशानी और कठिनाई से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम आपको आने जा रहे हैं बृहस्पति देव की पूजा और व्रत कथा, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस पूजा से घर में सुख शांति रहती है और जल्दी विवाह के लिए भी बृहस्पतिवार को व्रत किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं गुरुवार को व्रत करने की विधि क्या है। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं, केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं। नमक नहीं खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भगवान की कथा भी सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई और ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधर जाएं। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डाल देना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी होकर वापस आ गई और उसने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपनी भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बात करते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या
छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। और ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। व्रत कथा सुनकर पीला भोजन ही करना चाहिए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। खुरसाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहां से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाल में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था और इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझते हुए देर न लगी कि मुसीबतों के बाद उसने धन पाया है और इसीलिए अब उसे धन का उचित उपयोग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन खिलाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए जिससे कि आने वाला कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और अपने इस जन्म में भी वो लोग प्रसन्न होकर रह सके। दासी की बात मानकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए और उसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आप अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चमत्कारी टोटके चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आप जुड़े रह पाएंगे हमेशा चमत्कारी टोटके चैनल के साथ और आप हमारे सारे नए वीडियोस देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके चैनल के साथ।